हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी ने 12वीं पास के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भारी भर्तियों का आवेदन आमंत्रित किया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना आवेदन कर सकते हैं। आइए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला है पद का नाम। जैसा कि हमने आपको बताया हमारे वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। दूसरा आता है आवेदन करने की तारीख। जैसा कि आवेदन करने की तारीख 30 मई 2018 से स्टार्ट है तथा इसकी लास्ट डेट है 27 जून 2018। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये आवेदन ऑनलाइन होंगे। तो वहीं तीसरा आता है पद की संख्या। जैसा कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए रिक्त पद है 1527, तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी के लिए रिक्त पद है 362, तो वहीं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए रिक्त पद है 64। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा के विषय में। जैसा कि शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है इन पदों के लिए, वो है पदों की भर्ती के लिए 12वीं पास उत्तर प्रदेश बोर्ड से होना अनिवार्य है तथा NIELIT से प्राप्त CCC सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। तो वहीं बात की जाए आयु सीमा की, तो बता दें आपको कि सभी पदों के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, जिसकी गणना 1/7/2018 से होगी। जैसा कि दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम फीस और प्रवेश परीक्षा के विषय में। तो बता दें आपको एग्जाम फीस के बारे में, जनरल OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए फीस रखी गई है ₹185 तथा SC ST के लिए रखी गई है ₹95, तो वहीं PH कैटेगरी के लिए रखी गई है ₹25। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा के विषय में। तो बता दें आपको प्रवेश के लिए जो होने वाली परीक्षा का माध्यम है वो ऑनलाइन होगा और पूछे जाने वाले सवाल प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, जिसमें 50-50 प्रश्न के 3 खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि और सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।